डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज आवर लेक्चर 7 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज एक्सरसाइज 4D। तो इन पहले 6 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने में हमें क्या करना पड़ता है, जो उसके रूट्स होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक कौन सा पॉलिनोमियल है, सेकंड डिग्री का है, तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल्स है, तो उसमें x की कितनी वैल्यूज आएंगे, x के रूट्स कितने आएंगे, जिसको हमने पॉलिनोमियल्स में क्या पढ़ा था, जीरोज। तो 2 जीरो आएंगे, तो उन 2 जीरोज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मींस क्या है, जो हमारे 2 रूट्स जो आ रहे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, या फिर रियल हैं या फिर इमेजिनरी है, इट मींस होंगे ही नहीं। तो इस केस में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो पढ़ा था, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था हमने, जिसको हमने सोल्व किया था किस तरीके से, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाला था। तो उसमें हमारे रूट्स क्या थे, उसमें हमारे अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर द रूट डी अपॉन 2a, ये हमारे अल्फा बीटा की वैल्यू थी। जब हमारी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, जब हमारी इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के बराबर है, तो इसमें अल्फा हमारा क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और बीटा क्या होगा, माइनस बी माइनस ऑफ द अंडर द रूट डी अपॉन 2a। एक रूट हमारा ये होगा और एक रूट ये होगा। अभी देखिए, हमारे रूट्स अभी निकाले, नेचर ऑफ रूट्स, ये हमारे 2 रूट्स आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी केस में दोनों रूट बराबर भी आ जाए, हो सकता है कि किसी केस में दोनों रूट में कोई भी बराबर ना आए, और ये भी हो सकता है कि कोई रूट्स हो ही नहीं। तो उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो आप इसमें ये देखिए, जो डी हमने डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा, तो यदि हमारा अंडर द रूट में नेगेटिव आ जाती है कोई भी चीज, मतलब 0 से less than आ जाती है, तो उस केस में हम अंडर द रूट डी को हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू इमेजिनरी बन जाती है, आयोटा में बन जाती है, क्योंकि हम रूट ऑफ द नेगेटिव की वैल्यू क्या होती है, हमेशा इमेजिनरी के बराबर होती है, इमेजिनरी होती है, जिसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं आयोटा। जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे नेक्स्ट, हम जो 11th क्लास में होंगे बच्चे, तो उसमें इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमारे 3 केस हो सकते हैं, या तो डी इक्वल टू 0, या डी इज ग्रेटर देन 0, या डी इज लेस देन 0, हमारे केवल 3 हो सकते हैं जो हमारे अंडर द रूट डी है। तो इनके अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसके हमारे 3 केस हो सकते हैं, इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है, या फिर लेस देन 0 है। जब इक्वल टू 0 है तो रूट्स हमारे क्या होंगे, इक्वल एंड रियल, मतलब इसकी 0 के बराबर है, तो इट मींस क्या हो जाएगा, देखिए आप इसमें 0 की वैल्यू रखिए, आप इसमें 0 की वैल्यू रखेंगे तो ये एक रूट हमारा क्या आएगा, माइनस बी, 0 का रूट 0 होता है, अपॉन 2a, और दूसरा रूट क्या आएगा, माइनस बी, माइनस में 0 करेंगे तो भी वही रहेगा, अपॉन 2a। इट मींस क्या आ गया हमारा, ये दोनों रूट्स हमारे, ये और ये दोनों रूट्स हमारे इक्वल आ गए, तो डी बराबर है 0 के केस में हमारे क्या होंगे, रूट्स इक्वल भी होंगे, और ये रियल्स भी हैं, क्योंकि ए एंड बी क्या हमारे रियल नंबर्स हैं, इसमें ए बी सी जो हमारे टर्म है इस इक्वेशन में रियल नंबर्स हैं, तो ए बी सी रियल नंबर्स हैं, तो ये भी रियल होंगे और ये रियल होंगे, और दोनों इक्वल भी हैं, तो हमारे रूट्स इक्वल भी होंगे और हमारे रूट्स रियल भी होंगे। तो अभी देखिए, d इज ग्रेटर देन 0, देखिए d इज ग्रेटर देन 0 है तो माइनस बी के प्लस में कुछ आएगा, और सेम चीज माइनस बी के कुछ ना कुछ माइनस में आएगी, इट मींस दोनों रूट्स हमारे क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो क्या होंगे, अनइक्वल, अनइक्वल एंड रियल तो होंगे, क्योंकि ये भी रियल नंबर्स है जो अंडर द रूट आएगा, क्योंकि अंडर द रूट में क्या है, पॉजिटिव है, वो भी हमारी क्या आएगी, रियल नंबर आएगी, तो अनइक्वल भी हो गए और रियल भी हो गए। अभी तीसरा केस है, डी इज लेस देन 0, इट मींस क्या है, डी इज इन नेगेटिव, नेगेटिव नंबर है, तो हम इसमें नेगेटिव की वैल्यू रखेंगे, जैसे मान नेगेटिव 10 है, 5 है, 20 है, चाहे कुछ भी है, नेगेटिव नंबर है, तो हम किसी भी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, अंडर द रूट माइनस एक्स माइनस ऑफ द ए, इट मींस क्या है, माइनस ए, तो ए की वैल्यू हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, माइनस 10 है मान ले, माइनस ऑफ द 1 है, माइनस ऑफ द 3 है, इट मींस क्या है, ये सारे नंबर्स हमारे क्या है, इमेजिनरी है,
मतलब नॉट रियल। तो व्हेन डी इज लेस देन जीरो रूट्स आर नॉट रियल, तो हमारे रूट्स रियल नहीं होंगी। तो ये था हमारा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक पहले तो चेक करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो हमारी इसी फॉर्म में है, ए बी सी इसमें रियल नंबर्स हैं और एक्स स्क्वायर हमारा वेरिएबल है, एक की एक्स की पावर 2 है और एक की पावर एक्स की पावर 1 है। तो मैक्सिमम डिग्री क्या होती है इसकी, 2 होती है। तो अब इस केस में आप कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू -4 अंडर द रूट 5 15 है और सी की वैल्यू क्या है +5 है। तो इससे नेचर ऑफ रूट्स निकालना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें डी निकालना पड़ेगा। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर -4 ए सी। तो बी स्क्वायर -4 ए सी को आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ द 4 अंडर रूट 15 स्क्वायर माइनस ऑफ द 4 इंटू ए क्या होता है हमारा, इसमें 12 है सी है 5। तो 4 चौके 16 और 15 गुना में 16 कितना होता है 240 माइनस ऑफ द 12 पंजे 60, 60 चौका 240 तो इक्वल टू 0। तो डी इसमें क्या आएगा हमारा, 0 के इक्वल आ गया। तो डी इज 0 के बराबर है तो रूट्स आर हमारे क्या होंगे, इक्वल एंड रियल। और जो इक्वल रूट्स की वैल्यू क्या होगी हमारी, हमें थोड़ी सी देर पहले किया था हमें माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि जो प्लस या माइनस रूट डी वाला है तो उसमें डी क्या बराबर होगा हमारा, 0 के बराबर होगा तो वो तो कट जाएगा। तो माइनस बी अपॉन 2a इसमें क्या होता है, माइनस ऑफ द बी की वैल्यू क्या है इसमें, 4 रूट 15 अपॉन 2 इंटू ए हमारा है 12। तो किससे कट रहा, 4 एकम 4 4 3 12 माइनस ऑफ द 15 बाई 6 कितना रहा, माइनस ऑफ द 15 बाई 6। इसको थोड़ा सा और सोल्व करो तो सोल्व कर भी सकते हो, बाकी इसकी वैल्यू ये भी ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ऑफ द 2, इसको भी इसी से कंपेयर करेंगे तो डी फाइंड आउट करेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस ऑफ द 4 इंटू 1 इंटू 2 1 माइनस ऑफ द 8 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 1 के बराबर है, सी की वैल्यू 2 के बराबर है और ये माइनस में आपको माइनस साइन का इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इनमें से कोई भी एक माइनस का होता तो हमारी ये वैल्यू प्लस की हो जाती, लेकिन अभी हमारे दोनों क्या है प्लस में है। तो 1 माइनस 8 इक्वल टू माइनस ऑफ द 7, दिस इज लेस देन 0। लेस देन 0 है तो हमारे रूट्स क्या होंगे, सो रूट्स आर नॉट रियल। तो मैं रूट्स रियल नहीं होंगे तो हम रूट्स को फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इफ ए एंड बी आर रियल डिस्टिंक्ट नंबर शो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, ए और बी क्या है हमारे रियल नंबर्स हैं। तो ये रियल नंबर्स हैं तो ए पूरी इक्वेशन दे दी तो हमने क्या प्रूव करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है। तो इस केस में हमारा क्या था, जिसमें रियल नहीं होते तो उस केस में हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, तो डी इज लेस देन 0 टू प्रूव। तो हमें क्या चीज प्रूव करनी है, डी इज लेस देन 0, लेकिन इसने गिवन क्या है, ए और बी हमारे क्या है रियल नंबर्स हैं डिस्टिंक्ट, जो कि अलग अलग हैं, सेम नंबर नहीं है। तो अभी देखिए इस केस में क्या होगा, हमारी जो एक्चुअल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ए बी सी तो इसमें अलग से दे रखे, तो आप इसको बड़े ले लो ए बी सी, ए बी और ये आप ले लो बड़ा सी इक्वल टू 0। तो हमारी डी की वैल्यू क्या होती है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इसके बराबर होती है। तो ए की वैल्यू इसमें क्या हो रहा है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या हमारी 2 इंटू ए प्लस बी और सी की वैल्यू क्या हमारी 1 के बराबर है।
तो हमें इस d को किसके बराबर प्रूव करना है, दिस इज लेस देन 0, क्योंकि हमारी जो नॉट रियल रूट्स की कंडीशन एक ही होती है, क्या होती है, हमारी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, 0 से कम होनी चाहिए। तो इसको हम प्रूव करने के लिए डायरेक्ट सी बात है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, d फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो d को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस ऑफ द 4ac, तो d इक्वल टू b हमारा क्या है 2 इनटू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ द 4 इनटू a, a क्या है हमारा 2 इनटू a स्क्वायर प्लस ऑफ द b स्क्वायर, और c हमारा क्या है इनटू 1, ये हमारा 1 के बराबर है। तो d इक्वल टू क्या होगा, आप इसको खोलोगे तो 2 × 4 और इसके अंदर वाले को खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर खुल जाएगा एंड माइनस ऑफ द 4 × 8 8a स्क्वायर, ये माइनस का अंदर जाके दोनों को माइनस बना देगा, माइनस ऑफ द 8b स्क्वायर, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4 × 8ab माइनस ऑफ द 8a स्क्वायर माइनस ऑफ द 8b स्क्वायर। तो इसमें इसमें से आप ये घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस ऑफ द 4a स्क्वायर, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस ऑफ द 4b स्क्वायर, माइनस ऑफ द 4a स्क्वायर माइनस ऑफ द 4b स्क्वायर एंड प्लस ऑफ द 8ab। अभी देखिए ये किसका स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर है, ये 2b का स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ द माइनस ऑफ द 2ab। यदि हम इसमें साइन माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 4a स्क्वायर प्लस ऑफ द 4b स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ द 8ab, इसके इक्वल हो जाएगा। तो अभी अंदर क्या रह जाएगा, माइनस ऑफ द, ये 2a का स्क्वायर है, ये 2b का स्क्वायर है, माइनस ऑफ द 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × ab, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 8ab को। अभी देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ द 2ab, 2a × 2b, तो ये किसके बराबर है अंदर वाले टर्म, a माइनस b का होल स्क्वायर के बराबर है। इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर करोगे तो a की वैल्यू क्या है इसमें 2a, b की वैल्यू क्या है 2b, तो 2a माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो अभी देखिए तो अंदर वाली है टर्म 2a माइनस 2b, तो किसी भी संख्या का किसी भी नंबर का यदि हम होल स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। यदि ये पॉजिटिव है तो किसी भी पॉजिटिव टर्म के हम माइनस साइन लगा देंगे तो वह चीज क्या हो जाएगी, हमारी नेगेटिव बन जाएगी, और नेगेटिव हमें यही चीज प्रूव करनी है, डी इज लेस देन 0। ये देखिए तो अंदर वाली क्वांटिटी है, किसी भी चीज का आप माइनस ऑफ द किसी भी नंबर्स का एक बार स्क्वायर कीजिए, माइनस 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, प्लस 10 का करोगे तो 100 आएगा, माइनस वाला भी और प्लस वाला भी, माइनस माइनस स्क्वायर बन के क्या हो जाती है, हमारी प्लस बन जाती है। इट मींस क्या है, ये वाली टर्म क्या हमारी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 है, ये पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव के साथ में एक नेगेटिव साइन अलग से लग जाएगा तो हमेशा क्या हो जाएगी, दिस इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 है, सो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को, शो दैट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। इसमें क्या प्रूव करना है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो हमेशा ही रियल रहेंगे, किस केस में, जब ऑल पी और क्यू की वैल्यूज क्या हैं, रियल वैल्यूज हैं। इट मींस क्या है, चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या फिर जीरो हो, रियल नंबर्स में सारे आ जाते हैं, या फिर हमारे रेशनल नंबर्स हो या इरेशनल नंबर्स हो, कोई भी वैल्यूज हो पी एंड क्यू की, बस हमारी रियल नंबर्स होनी चाहिए।
तो उस केस में इस इक्वेशन के हमेशा ही रूट्स क्या रहेंगे, रियल रहेंगे। तो रियल के लिए हमारी क्या कंडीशन है, टू प्रूव इसमें क्या है, डी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो हमें क्या प्रूव करना है, डी की वैल्यू हमेशा जीरो से ज्यादा होनी चाहिए। इट मीन्स ये क्या होना चाहिए, हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए सबसे पहले हम डी को हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 एसी होता है। तो बी इसमें क्या है, पी के बराबर पी स्क्वायर माइनस होता है 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है इसमें, माइनस ऑफ द क्यू स्क्वायर। इसमें आपको माइनस साइन का विशेष ध्यान रखना है। तो माइनस ऑफ द क्यू स्क्वायर करोगे तो डी इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस ऑफ द 4 क्यू स्क्वायर। तो डी आ गया इसमें, ये भी एक पॉजिटिव टर्म है और ये भी क्या है, किसी का स्क्वायर है, दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिव टर्म। तो हम दो पॉजिटिव पॉजिटिव को करेंगे तो डी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। तो डी इज ग्रेटर देन जीरो है इसमें, चाहे हम पी और क्यू की कोई भी वैल्यू ले उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगी हमारी, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो डी इज ग्रेटर देन, ये भी पॉजिटिव है, ये 4 के मल्टीप्लाई में है तो ये भी हमारे पॉजिटिव में आएगा। तो डी इज क्या हो गया हमारे, जीरो से बड़ा हो गया। सो रूट्स आर रियल, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए, रियल हो गए। नेक्स्ट करते फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इसमें क्या चीज फाइंड आउट करने में, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब इसके रूट्स क्या हमारे रियल और इक्वल हैं। तो रियल एंड इक्वल रूट्स की हमारी क्या कंडीशन थी, व्हेन d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो d इसमें क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हमें d को हम 0 के बराबर रख देते हैं, फिर हम k की वैल्यू इसमें फाइंड आउट कर देंगे। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4 ए सी। तो बी क्या हमारा 2 इंटू के प्लस में 1 स्क्वायर माइनस ऑफ द 4 इंटू ए क्या हमारा 3 के प्लस 1 और सी किसके बराबर है, ए के बराबर, दिस इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल टू 0। अब इसको खोलेंगे तो भी 2 दुनी 4 और अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 के एंड माइनस ऑफ द 4 4 के 12 के और माइनस ऑफ द 4 एकम 4, दिस इज इक्वल टू 0। अभी इसको खोलोगे तो 4 के स्क्वायर प्लस पे 4 एंड प्लस में 4 दुनी 8 के माइनस के 12 के एन माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, 4 के स्क्वायर प्लस ऑफ द 8 के एंड 4 से 4 क्या हो जाएगा हमारा, 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 के माइनस में 12 के, तो किसके बराबर, माइनस ऑफ द 4 के, माइनस ऑफ द 4 के हमारा, इसमें 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो रहा था। माइनस ऑफ द 4 के बच जाएगा ये, क्योंकि 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो रहा है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, 4 के स्क्वायर माइनस ऑफ द 4 के, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, 8 के माइनस में 12 के इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें और क्या आ रहा है हमारा, 4 के हमारा को मना रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, k माइनस ऑफ द 1 दिस इक्वल टू 0। अभी देखिए हमारी दो टर्म हैं, 4k इनटू k माइनस 1 इक्वल टू 0, दो मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट कितना हो रहा है हमारा, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो, इसमें या तो ये टर्म 0 के इक्वल हो सकती है, 4k इक्वल टू 0 इस केस में हमारा k किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, या फिर हमारी ये टर्म 0 के इक्वल हो सकती है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा k माइनस 1 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारा दोनों केस में ये हो जाएगा, हमारे एक केस में k की वैल्यू क्या आएगी 0 और दूसरे केस में k की वैल्यू क्या आएगी 1।
तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ की। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ पी फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हमारे उनमें डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारे इक्वल और रियल रूट्स होते हैं, इसमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे रूट्स क्या होने चाहिए, इसमें रियल और इक्वल होने चाहिए। तो वही लास्ट क्वेश्चन है उसी के जैसा है सेम, तो उस केस में हमें क्या करना, बस डी की वैल्यू किसके बराबर रखनी है, इक्वल टू जीरो के बराबर रखनी है। तो डी हमारा इसमें क्या है, डी इक्वल टू बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू क्या है इसमें, माइनस ऑफ द सेवन पी प्लस टू इसका स्क्वेयर, बी स्क्वेयर माइनस ऑफ द फोर इंटू ए की वैल्यू क्या है टू पी प्लस वन इंटू सी की वैल्यू क्या है सेवन पी माइनस ऑफ द थ्री, दिस इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि इसमें क्या फाइंड आउट करनी, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रियल और इक्वल हैं। तो रियल और इक्वल रूट्स हैं तो इसमें डी की वैल्यू किसके बराबर होगी, हमारी जीरो के बराबर होगी। तो अभी देखिए इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करते हैं, तो सात पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, उनचास पी प्लस ऑफ द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ द फोर एंड प्लस ऑफ द टू इंटू सात पी और गुणा में दो प्लस टू ए बी, माइनस माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस की क्वांटिटी हो जाएगी एंड माइनस ऑफ द फोर, एक बार इसको अंदर से मल्टीप्लाई करते हैं, टू पी की पहले करेंगे तो दो सते चौदह पी स्क्वायर माइनस ऑफ द दो गुणा में तीन छः पी, अभी प्लस की इन दोनों के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ द सेवन पी एंड माइनस ऑफ द थ्री, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्वांटिटी किसके बराबर आ रही है हमारी, सेवन फोर्टी नाइन पी स्क्वेयर आएगा क्योंकि स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर है, तो फोर्टी नाइन पी स्क्वेयर प्लस ऑफ द फोर एंड प्लस ऑफ द सात गुणा में दो ट्वेंटी एट पी माइनस ऑफ द बार, निशान माइनस का है तो अंदर वाली सारी चीजें हैं हमारी बदल जाएगी, तो चौदह चौके छप्पन पी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, छप्पन पी स्क्वेयर, अभी सात में से छह गया एक पी प्लस का पी है और जो बाहर माइनस वाले के साथ मिलके माइनस ऑफ द फोर पी हो जाएगा, ये माइनस फोर की प्लस वन के साथ करेंगे तो माइनस फोर एंड माइनस माइनस प्लस चार तीय बारह, दिस इज इक्वल टू जीरो। 49 पी स्क्वायर माइनस ऑफ द 56 कितना बच गया, माइनस ऑफ द 7 पी स्क्वायर, अभी ये 28 पी हमारा और ये क्या है 4 पी है प्लस ऑफ द कितना बच गया हमारा 24 पी। तो अभी कॉन्स्टेंट टर्म देखिए हमारी ये हो गई, हमारी ये तीनों भी हो गई, तो इसके बाद 4 और 12 ये कितना होगा प्लस का 16 इक्वल टू जीरो। अभी देखिए इसमें माइनस साइन को हम ले लेते हैं एक बार, क्योंकि पी स्क्वायर की क्वांटिटी हम एक बार पॉजिटिव बनाएंगे इसको, सात पी स्क्वायर माइनस ऑफ द 24 पी एंड माइनस ऑफ द 16 दिस इज इक्वल टू जीरो। अभी देखिए हमारे पी में क्या इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अभी या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड आउट करो या फिर बीच वाली टर्म को हम सबलिट करो, तो इसमें फिर बीच वाली टर्म को हम सबलिट करेंगे तो इसका प्रोडक्ट कितना चाहिए, 16 + 7 = 112 क्या होना चाहिए, 112 इसका प्रोडक्ट और सम कितना होना चाहिए माइनस का, ये माइनस का 112 और ये माइनस का 24, क्योंकि ये माइनस साइन आएगा इसमें 16 गुणा में 7 करेंगे तो, और ये माइनस का 24 है, तो ऐसी टर्म्स को तोड़ेंगे तो पहली तो है एक गुणा में 112 है ये हमारी नहीं होगी, तो दूसरी क्या करेंगे हम दो माइनस दो गुणा में माइनस का 156, तो इसमें भी हमारी बात नहीं बनेगी क्योंकि 156 में से 2 का कितना आएगा 54 आएगा, अभी 3 से जा नहीं रहा ये 4 से देखिए 4 और गुणा में माइनस ऑफ द 4 दुनी 8 और 3 से 4 अठा 32 कितना रहा माइनस ऑफ द 28, अभी माइनस 4 और सॉरी प्लस 4 और माइनस 28 का सम करोगे तो कितना आ रहा है आपका माइनस का 24 के बराबर आ रहा है, तो इसकी तो हम सप्लीट करके क्या कर देंगे इसके माइनस 24 को क्या कर देंगे माइनस के 28 और प्लस का 4, तो 7 पी स्क्वायर
माइनस ऑफ द 28p एंड प्लस ऑफ द 4p माइनस ऑफ द 16 दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 24 को हमने स्प्लिट कर दिया माइनस का 28 और प्लस का 4p में। अब इसमें क्या हमारा कॉमन आ रहा है 7p, तो इसमें बच गया p माइनस ऑफ द 7 × 28 4 आ गया। अभी माइनस ऑफ द इसमें क्या कॉमन आ गया 4, तो प्लस ऑफ द 4 कॉमन आ जाएगा इसमें, तो इसमें क्या बचेगा p माइनस ऑफ द 4 दिस इज इक्वल टू 0। अब इस चीज में हमारी कॉमन आ रही है p माइनस 4 इंटू 7p प्लस ऑफ द 4 दिस इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो टर्म है, या तो p माइनस 4 0 के इक्वल हो सकती है, तो p माइनस 4 0 के इक्वल होगी तो p की वैल्यू क्या आएगी हमारी 4, और ये वैल्यू 0 के बराबर होगी तो p की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 4/7। तो हमारी p की वैल्यू कौन कौन सी आ रही है 4 और माइनस का 4/7, दिस इज द वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इफ माइनस 4 इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस, देखिए माइनस 4 इस इक्वेशन का एक रूट है, तो इट मीन्स क्या है माइनस 4 है तो वो इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए 0 के बराबर होनी चाहिए। तो पहले तो माइनस 4 इस इक्वेशन का रूट है, फिर इन्हें आगे क्या दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। तो इसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जो माइनस 4 इसका रूट्स है तो इसमें क्या वैल्यूज हैं माइनस 4 के अलावा, जो इसमें जो रियल टर्म्स है हमारी p की वैल्यू है, तो इसके द्वारा p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और p की वैल्यू फाइंड आउट करके p की वैल्यू इसके अंदर रख देंगे, क्योंकि इसके अंदर जो अननोन क्वांटिटी है तो p है हमारी, p की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर हम दोबारा निकालेंगे तो k केवल एक ही वेरिएबल बच जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले माइनस 4 इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके थ्रू हमारा क्या आ जाएगा माइनस 4 इसके अंदर सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x square minus plus of the 2x and plus of the 4p equal to 0 है, तो minus of the 4 square plus of the 2 into minus 4 plus of the 4p this is equal to 0, 16 minus में 8 plus में 4p equal to 0। अभी 4p किसके बराबर होगा minus of the 8 के बराबर, p equal to minus of the 2, p की वैल्यू हमारी क्या होगी माइनस 2 के बराबर आ गई, p माइनस 2 के बराबर है तो नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हेन p इक्वल टू क्या है हमारा माइनस ऑफ द 2 के बराबर है, तो हमारी ये इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी x स्क्वायर प्लस p है तो माइनस ऑफ द 2 हो जाएगी, माइनस ऑफ द 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस में 3k एंड प्लस ऑफ द 7 इंटू 3 प्लस में 2k दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन ये हो गई। तो इस इक्वेशन के क्या हमारे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब इस इक्वेशन के रूट्स क्या हमारे इक्वल हैं। तो इक्वल रूट्स के हमें क्या कंडीशन पड़ी थी हमें, वेन d इक्वल टू 0 तब रूट्स आर क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे। तो d इक्वल टू 0 करोगे तो आप इसमें क्या हो जाएगा, तो d में इसमें b की वैल्यू क्या है माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3k, तो d इक्वल टू 0 है, d की वैल्यू थी b स्क्वायर माइनस में 4ac, तो हमारा इसमें d इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर, b क्या हमारा माइनस ऑफ द 2 इंटू 1 प्लस में 3k इसका स्क्वायर माइनस ऑफ द 4 इंटू ए, ए क्या हमारा 1 है और c किसके बराबर है 7 इंटू 3 प्लस में 2k दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारा d 0 के बराबर आएगा तब ही हमारे इसके रूट्स क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे। तो d इक्वल टू 0 है इसको रखेंगे, तो नेक्स्ट यहां लिख देता हूं मैं d इक्वल टू, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 माइनस 2 गुणा माइनस 2 4, और इसको स्क्वायर को आप सोल्व करोगे तो 1 प्लस में 9k प्लस ऑफ द 6k एंड माइनस ऑफ द 4 गुणा में 7 28 माइनस ऑफ द 28 और इसको क्या करोगे 3 प्लस में 2k दिस इज इक्वल टू 0। तो 0 के बराबर आएगा तो हमारा ये अंदर से इसको मल्टीप्लाई 4 प्लस में 900 के 36 यहाँ पे आएगा k स्क्वायर आएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस ऑफ द 2ab, तो 4 प्लस में 36 k स्क्वायर प्लस ऑफ द 6 चौके
24 के माइनस ऑफ द अंदर से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 28 दिया 112, 3 अठे 3 अठा 24, 28 दिया 84, सॉरी माइनस ऑफ द 84 एंड माइनस ऑफ द 28 दुनी 56 के दिस इज इक्वल टू 0। अभी 36 के स्क्वायर है ये, 36 के स्क्वायर एंड ये आपका 24 के है, ये आपका माइनस का 56 के है, तो ये कितना के बच जाएगा, माइनस ऑफ द 6 में से 4 गए 2, 5 में से 2 गया 3, 32 के एंड माइनस 84 और प्लस का 4 दिस इज माइनस ऑफ द 20 80, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए क्या चीज कॉमन आ रही हमारी, हम 4 को हम कॉमन ले सकते हैं, 4 की बजाय हम 8 को भी ले सकते हैं, 8 दिया 24, 8 की 32 4 ही आएगा कॉमन, दिस इज 4, 4 में 36 के स्क्वायर माइनस ऑफ द 8 के एंड माइनस ऑफ द 20 दिस इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा थ्रू आउट कॉमन लिया हमें। तो अभी देख हमारी वापस की क्वाड्रेटिक बन गई, ये इक्वेशन किस में बन गई, k में बन गई, तो हमारा ऐसी वैल्यूज लेनी है k की जिसमें सम और एक हमारा प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ द 20 गुणा में 9, तो माइनस ऑफ द 180 के बराबर प्रोडक्ट होना चाहिए और हमारा सम क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ द 8 के बराबर होना चाहिए चीज। तो हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुणा में 90 करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी, 3 गुणा में 60 करेंगे, 4 गुणा में करेंगे नहीं बनेगी, 5 6 तो इसको हम करेंगे माइनस ऑफ द 10 और गुणा में प्लस ऑफ द 8, माइनस ऑफ द 10 और गुणा में प्लस ऑफ द 18, सॉरी तो प्लस 10 एंड माइनस 18, क्योंकि हमें सम किस में चाहिए, माइनस में चाहिए है, तो माइनस का 18 में से 10 गए कितना आ गया, माइनस ऑफ द 8 के बराबर आ गई ये चीज, क्योंकि माइनस 18 और गुणा में 10, तो इनका सम करेंगे दोनों टर्म्स का तो कितना आएगा, माइनस 8 आएगा, तो माइनस 8 को किस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 18 और प्लस का 10 में, 9 के स्क्वायर माइनस ऑफ द 18 के प्लस ऑफ द 10 के माइनस ऑफ द 20 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 9 के माइनस ऑफ द 2 एंड प्लस ऑफ द 10, तो के माइनस में 2 दिस इज इक्वल टू 0, k माइनस 2 को मना जाएगा, 9 के प्लस ऑफ द 10 दिस इज इक्वल टू 0, इसको एक 0 के इक्वल रखेंगे तो k किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा हमारा, और यदि हम इस टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे तो k इक्वल टू माइनस का 10 बाई 9, तो हमारी k की वैल्यूज क्या आएंगे हमारी, 2 एंड माइनस ऑफ द 10 बाई 9। हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमारा क्या होता है, माइनस बी, तो माइनस ऑफ द बी की वैल्यूज में क्या हमारी 8 प्लस या माइनस अंडर द रूट क्या हमारी बी स्क्वायर अथवा 2 64 माइनस का 4 एसी 4 गुणा में 9 और गुणा में माइनस ऑफ द 20 बी स्क्वायर माइनस 4 एसी अपॉन 2 ए 2 गुणा में 1 इसके बराबर हमारा 9 के बराबर है। तो हमारे इस केस में हमारी वैल्यूज सेम आई, एक बार इसको करते हैं, माइनस माइनस प्लस का 8 प्लस एंड माइनस अंडर द रूट 64 और प्लस में कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 36 दुनी 72, 720 अपॉन 9 दुनी 18, तो 8 प्लस या माइनस 720 और 64 कितना होगा, 4 6 और 2 8 7 प्लस पटे में 18, 784 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये हमारा होता है 28 का, किसका स्क्वायर रूट होता है 28, तो 8 के एक बार तो प्लस में 28 बटे में 18 होगा और एक का 8 और माइनस का 28 बटे में 18, तो प्लस का 28 बटे में 18 का 28 और 8 कितना होता है 36 अपॉन 18, ये क्या हो जाएगा आपका 36 अपॉन 18 किसके बराबर हो गया आपका, 2 के बराबर हो जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ द 20 बाई 18, तो ये तो 2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10 बटे में 9। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो हमें प्रीवियस लेक्चर्स में किया है हम उसे भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, चाहे इसे करो या फिर इसे करो। चलिए स्टूडेंट्स, इसी वीडियो के साथ हमारा, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।